हाय फ्रेंड्स, झगड़ालू पड़ोसी को सबक कैसे सिखाएं। दोस्तों, कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे। आपके घर के पास कूड़े रख देना, किसी ऐसे अपने कुत्ते को रखना जो आपको बहुत परेशान करता है आते जाते वक्त, या फिर उनका कोई घर बन रहा हो तो ईंट पत्थर वो आपके घर के दरवाजे पे रख देंगे। इतनी दिक्कतें होती हैं दोस्तों, कभी कभी उनकी गाड़ियां लगा दी जाती हैं रास्ते पे, आने जाने वाले को दिक्कत होती है, आप अपनी गाड़ी को कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। पड़ोसी के साथ कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों कि अगर उनको आप समझाने की कोशिश करो तो वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत शब्दों का यूज करते हैं, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई क्या करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। ऐसे मामलों में अगर आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करने जाते हो तो पुलिस इस पर सुनवाई नहीं करती। पुलिस को लगता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी नहीं है। पुलिस इस पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, वो आपकी एप्लीकेशन लेकर आपको घुमाती रहेगी और कोई भी कार्रवाई नहीं होती। पड़ोसी या आसपास के लोग जहां आप रह रहे हो, उन्होंने जो गलत काम किया हुआ है, किसी रास्ते को बंद किया हुआ है, गलत जगह गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, या अपने घर को बनाने में जो सामान है उनको रखा हुआ है, लोगों को दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, ऐसी स्थिति में दोस्तों उनकी वीडियो बनाएं। उनके किसी गलत व्यवहार में अगर वो कुछ गालियां दे रहे हों, कोई बदतमीजी कर रहे हों, तो अपने फैमिली के किसी मेंबर को बोलें कि आप वीडियो बनाओ, और इस तरीके से आप प्रूफ क्रिएट करने की कोशिश करें, उन चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करें वीडियो में जिनके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। एक नजर में, जिसे बोलते हैं प्राइमा फेसी, पहली नजर में उनकी गलती दिखेगी कोर्ट को, और आपको क्या करना है उस वीडियो को ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होती है दोस्तों। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एसडीएम कोर्ट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की अदालत होती है दोस्तों। ये उच्च पुलिस के अधिकारी होते हैं जो जज के रोल में बैठे होते हैं। 2 बजे इनकी अदालत ज्यादातर लगती है। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कहे जाते हैं, किसी शहर में इनको एडीएम भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और कुछ शहरों में डीएम खुद, छोटे शहरों में, कस्बों में वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत होती है। आप उन जगहों पर अपनी कंप्लेंट दें, या फिर आप अगर नहीं जा सकते तो आप पर्सनली वहां विजिट करने की स्थिति में नहीं हो तो आप डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा अपनी कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से बनाकर उसके साथ अपने जो सीडी है उसको अटैच करें, उसको एनवेलप में डालें, उस सीडी में वो वीडियो फुटेज होनी चाहिए जो आपने बनाई हुई है। दूसरी पार्टी है उसका एड्रेस भी लिखना है उसमें, अगर उसका फोन नंबर अवेलेबल है तो उसमें वो भी आप लिख दोगे। वहां से कॉल आती है या उनका नोटिस जाएगा उस एड्रेस पे कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, इन चीजों की शिकायत है, आप इसे 10 दिन में या 15 दिन में आप ठीक करें, इस मामले को सही करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार को ठीक कर कोर्ट को ये जानकारी नहीं देता है तो कोर्ट आगे से उसे सम्मन कर देगी, कोर्ट में हाजिर होने के ऑर्डर हो जाएंगे, सो कॉज जारी कर देगी कि आप इस पे जवाब फाइल करें। दोस्तों, पड़ोसी आपके पैर पकड़ेंगे, मैं बता दूं झगड़ालू पड़ोसी बिल्कुल सही और सीधे हो जाएंगे दोस्तों। मैटर समझौता हो सकता है, उनके ऊपर बड़ा फाइन लगाया जा सकता है, उनके ऊपर 188 सेक्शन आईपीसी में कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। ये सारे प्रावधान हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कानून में जो आपके पड़ोसी को सही कर सकता है।